हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे आज के दिन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, उसके साथ 6% की हम लोगों को तेजी दिखा रहा है ये शेयर। तो हम लोगों के लिए एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एसएल क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम लोग यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो शेयर काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऊपर की ओर इसने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया। अगर देखेंगे 28 से यहाँ पे डायरेक्ट रैली किया इसने 46 तक, 46 के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकुमुलेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश की है अपने आप को होल्ड करने की, लेकिन एट लास्ट यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट जो बाउंस बैक जो लिया है ये इस शेयर ने, ठीक है, जो लास्ट टाइम का यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था उन्हीं लेवल से कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक हम लोगों को ये लेता हुआ दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बाउंस बैक है बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाउंस बैक लिया, और आज का ये यहाँ पे जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज हम लोगों को नज़र आ रहा होगा 32 से 38 का, इसके ऊपर वाले लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये रेंज को भी हम लोग प्ले कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे इस टाइप का एक सिचुएशन बना हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो इस टाइप से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी और नीचे की ओर भी ट्रेंड लाइन थी, तो इस चैनल से यहाँ पे आज के दिन ब्रेकआउट हुआ है और अभी हम लोगों को अप्रॉक्स 6% की रैली दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जो रेंज की बात कर रहे थे, अगर उस रेंज को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो हमारा रेंज कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। ये हमारा यहाँ पे रेंज है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, प्लस ये जो ब्रेकआउट है हम लोग इसको भी प्ले कर सकते हैं। ब्रेकआउट प्ले करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये अभी ब्रेकआउट किस लेवल का दिया है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे 37.55 का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। ऑलरेडी 3 दिन से 34 से लेके 38 के आसपास ये ट्रेवल कर गया है, मीन्स अप्रॉक्स 10% से ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम मिल चुका है। तो मुझे क्या लग रहा है, आने वाले समय में ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 38.85, राइट। अगर 38.85 से हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, सिंपली प्रॉफिट बुकिंग होगा। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आता है, अगर ये हमें फिर से 38 के आसपास मिल के यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा उसको हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रैक करेंगे। क्यों 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रैक करेंगे, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम उसी लेवल पे जाके उसे बाई करेंगे और स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे, मतलब स्टॉप लॉस इसके नीचे हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। बहुत से लोग देखिए, ब्रेकआउट अगर प्ले करना है तो ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ा हो चुका है, 7% के आसपास बन चुका है, 6% के। तो अगले दिन अगर इसका, जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल है इसको हम लोग को प्ले करना है, तो जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ प्ले कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो बहुत बड़ा हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर यहाँ पे हम लोग के लिए ये पुल बैक आता है और एक बार नीचे आता है, फिर से अगर ये ऊपर निकलेगा तो जिन बायर्स ने यहाँ पे मिस किया है और जिनके पास ये वॉच लिस्ट में होगा वो इसमें जाके पोजिशन बना सकते हैं और यहाँ से अच्छा पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। क्योंकि ये शेयर अच्छा इसलिए नज़र आता है क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। ये अच्छा रैली देने के बाद, ठीक है, बहुत सारे शेयर हमें पता है एक अच्छा रैली देने के बाद साइडवेज चले जाते हैं, एक फ्लैग पैटर्न में गिरते हैं, ठीक है। और बहुत से शेयर कैसे कैसे होते हैं, ऐसे ऊपर गए और डायरेक्टली नीचे गिर जाते हैं। तो ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न में गिर रहा था, इसमें एक एक्युमुलेशन चल रहा था इसका, ठीक है। और ये यहाँ पे जब इसका ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, आज के दिन जब ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें प्लानिंग करने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर जिन लोगों ने यहाँ पे इसको इन लेवल के आसपास लगभग 36.5 के आसपास बाई कर लिया, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, वो इस कैंडल के नीचे ऐसा लगा के वेट कर सकते हैं। क्योंकि आगे आने वाले जो टारगेट्स हमारे लिए होंगे वो होंगे 40 का, यहाँ पे पहला टारगेट होगा 40.5 का, एंड सेकेंड टारगेट हमारा जो होगा 44 के आसपास का होगा, ठीक है। सेकेंड टारगेट 44 के आसपास होगा, और ये टारगेट आने के बाद यहाँ पे फिर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से टाइम स्पेंड करके फिर से ऊपर की ओर निकलेगा, एंड लास्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 48 के आसपास होगा, जो कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई के पास जाएगा तो फिर हो सकता है यहाँ पे जाते जाते थोड़ा सा इस तरीके से पैटर्न बन चुका होगा और हमारे पास एक ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे भी हम लोग जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं या फिर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और अभी फिलहाल अगर यहाँ पे आज के दिन मान लेते हैं, देखिए आज के दिन अच्छा यहाँ पे बुलिश है, अगर लेकिन आज के दिन यहाँ पे नीचे की ओर कहीं पे क्लोजिंग हो जाती है, आज के दिन यहाँ पे कहीं नीचे की ओर क्लोजिंग हो जाती है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को वेट एंड वॉच करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट डे यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट डे यहाँ पे अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम लोग कल के कैंडल का लो लगा का ऐसा लगा के पोजीशन बना सकते हैं। सेकेंडली अगर एक दो कैंडल यहाँ पे इनसाइड बन जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे रुकने के बाद एक ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग इसी का ऐसा लगा के यहाँ पे इस ब्रेकआउट को प्ले कर पाएंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है और ऐसे ही हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए।
वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपना एनालिसिस जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।